आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से घर की धन संपत्ति में कोई कमी नहीं रहती। बुध ग्रह व गुरु बृहस्पति की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण माह में किए जाने वाले बुध और बृहस्पति व्रत का महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब तुमसे पाप को हरने वाले बुध और बृहस्पति व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। एक समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गई। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देव गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रयाश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्रदेव से करूँगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ तो देव गुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाएं। ऐसा ना करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो, किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप माना जाता है और गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देव राजेंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूँगा। चंद्रमा की यह बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती थी कि यह किसका पुत्र है। अतः देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, यह पुत्र किसका है? लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का ओरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे आप इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया गया।
इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। देवों ने कहा, चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा और जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने सदैव भरे रहेंगे तथा उनका क्षय कभी नहीं होगा। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, नवेद्य दही भात से दोनों की मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घ आयु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र को पाता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चना करने से देवों की दया प्राप्त होती है। सोने वाले कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें, स्वर्ण की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करें, षोडश उपचार द्वारा अर्चन कर हवन करें, तिल घी तथा खीर की आहुति प्रज्वलित अग्नि में दें, चिंचड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा और भांजे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनक कुमार, प्राचीन समय की बात है, एक मामा और एक भांजा था। मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक घर में श्रावण के महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते किसी को नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत किया ही नहीं है। इसे हम करेंगे, लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में ज्ञान हुआ। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और व्रत के प्रभाव से वे दोनों पुत्र पौत्र धन संपत्ता आदि से संपन्न हुए। बुध और गुरु बृहस्पति ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है,
आज से जो भी इस व्रत को करेगा और मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, हमारी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी और वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा। इति श्रावण महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।